अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी अनबॉक्सिंग, जो कि मैंने दराज से शॉपिंग की थी। तो कुछ किचन गैजेट्स हैं या फिर एसेसरीज हैं, तो वो मैंने परचेज किए थे दराज से। तो मैंने सोचा उसका एक्सपीरियंस क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि अगर उसमें से किसी भी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत हो तो फिर आप लोग उसे मंगवा सकें। सबसे पहले हम अपना पहला पार्सल खोलते हैं। मैंने कोई 8 चीज़ें तकरीबन मंगवाई थी, तो उसमें से मैंने 3 जो है अनरैप कर ली थी, इसलिए क्योंकि वो पहले आ चुकी थी। तो मुझे उनका अगर वो समझ में नहीं आती या फिर चेंज करनी होती तो फिर मैं उन्हें रिटर्न कर पाती। तो ये सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, टी और स्पाइस इन्फ्यूज़र। बेसिकली ये सीजनिंग में यूज़ होता है, और जैसे कि हम अगर कोई चाय बना रहे हैं या किसी फ्लेवर की बनानी है हमें, तो हम वो चीज़ इसके अंदर रख कर और इसके टाइम में डिप कर सकते हैं। और इसके एक ऊपर हुक होता है जिससे हम किसी भी चीज़ में इसको टिका सकते हैं। तो और दूसरी चीज़ है हमारे पास, दूसरा हमारे पास पैकेज था सिलिकॉन का आइस क्यूब्स का पैकेट। रीयूजेबल है ये, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पानी होता है पहले से ही, तो और ये होते भी सील हैं, तो आप इसे आराम से फ्रीज़र में रख कर इसे जमा सकते हैं। और फिर जब आपने सर्व करना हो तो उसी ग्लास में आपने ये 2 क्यूब्स डाल के सर्व कर देना, और फिर उसके बाद सिंपली इसको वॉश करके वापस फ्रीज़र में रख दें, तो ये दोबारा जम जाएंगे और दोबारा से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड पैकेज है हमारे पास, मुझे भी नहीं पता असल में। तो ये स्टिकी नोट पैड है, ये एक्चुअली मुझे बस ऐसी ज़रूरत थी तो मैंने मंगवा लिया। आई नो कि ये किचन गैजेट्स में या फिर एसेसरीज में नहीं आता, बट ये मुझे ज़रूरत थी तो मैंने मंगवा लिया था, और अच्छा था तो मैंने मंगवा लिया। बाकी हैं चेंज, ये जो चीज़ें मैंने मंगवाई थी उसमें जो पैकेट थे वो शीट्स थी, वो ये इस तरह की नहीं थी, मल्टी शीट्स थी। अब चौथे नंबर पर हमारे पास है, आई थिंक मिनी चॉपर है ये, यस स्पीडी मिनी चॉपर है ये। और ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी थी इसकी, बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी ये। और इसको इस तरह से बस पुल करना होता है कोई भी चीज़ में डाल के। इसके ब्लेड्स बहुत शार्प हैं, मैंने इसको टेस्ट किया, यूज़ किया हर तरह से। इसके अंदर जूस भी मैंने बना के देखा, मैंगो का या फिर फ्रूट्स का, किसी भी चीज़ का। और आप लोगों के लिए डेमो के लिए मैंने इसमें प्याज काट के डाली थी, तो मैंने रैंडम कट कर ली थी मोटी मोटी। उसके बाद 8 से 9 या 10 से 12 पुल में ये अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन चॉप हो गई थी प्याज, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इसकी प्लास्टिक बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ये अनब्रेकेबल भी कह सकते हैं आप, कि इतने ईजिली नहीं टूटेगा ये। बस इसे कोई भी चीज़ इसके अंदर आपने डाल के और इसे पुल करना है, और आपकी चीज़ जो है बिल्कुल फाइन चॉप हो जाएगी बिल्कुल। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, और मेरे किचन में ये बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि मुझे अक्सर बहुत ज़्यादातर चॉपिंग की ज़रूरत होती है। और ये चीज़ है हमारे पास, आई डोंट नो, ये सीलर है। और मुझे नहीं पता कि दराज वालों को अब क्या हो गया कि इसकी जो पैकेजिंग है वो इस तरह से हो गई है, मगर जो पहले इनकी पैकेजिंग थी वो बहुत ही परफेक्ट होती थी, तो इतनी आसानी से मतलब खुलती भी नहीं थी, बबल रैप में रैप होती थी चीज़ें सारी। बट अब ऐसी कैजुअल पैकेजिंग की हुई है, और गत्ता वगैरह भी, डब्बे वगैरह भी फटे हुए थे, हो सकता है ये शिपिंग के दौरान फट गए हों, आई डोंट नो। तो ये है हमारे पास प्लास्टिक बैग सीलर, तो इसके अंदर आपने सेल लगाने होते हैं और फिर ये सील कर। इसमें सेल लगवाए थे और इसको ट्राई किया था, तो मैंने सब कुछ करके देखा था, मगर ये काम नहीं कर रहा था बिल्कुल। तो मुझे लगा कि मेरी मनी जो है बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, और ये प्रोडक्ट मेरे पास बिल्कुल ख़राब आया है और ये काम नहीं कर रहा था। बट मेरी गलती है कि मैंने सेल गलत लगाए हुए थे, तो इसको मैंने जब सेल वगैरह लगा के दोबारा ठीक तरीके से चेक किया, तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। उसका भी मैंने क्लिप लास्ट में वीडियो में ऐड कर दिया, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और अब जो है हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्रिएटिव किचन गैजेट। बेसिकली ये टोंग टाइप का है, और किसी भी पतीली को, किसी भी चीज़ को आप इजीली इससे ग्रिप कर सकते हैं, यानी कि पकड़ सकते हैं और उठा सकते हैं। गरम पतीली हो या कुछ भी हो, आप उसे आराम से ग्रिप कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसकी प्लास्टिक बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ों के प्राइस
डिलीवरी चार्जेस सब टोटल ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, मैंने हर चीज़ का मेंशन किया हुआ है और जो सेलर्स बेस्ट थे उन सेलर्स को भी मैंने मेंशन किया हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये दराज की तरफ से स्पॉन्सर है वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैंने खुद चीज़ें परचेज़ की हैं। अब जो हमारे पास सेट है वो है नाइफ सेट और इसका भी सब टोटल और डिलीवरी चार्जेस सेलर और प्राइस सब कुछ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली रेम्बो नाइफ्स हैं, इसमें 5 का सेट था जिसमें 4 नाइफ्स हैं और एक होल्डर है जो कि ब्लैक कलर का है और नाइफ्स के ब्लेड्स बहुत शार्प हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है और बहुत अच्छी काम करी। मैंने इसे भी यूज़ करके देखा है, इसका भी पूरा मैंने किचन टेस्ट लिया है तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और रीज़नेबल प्राइस पे है। तो अगर आप लोगों ने परचेस करनी हो तो इन सब चीज़ों के लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब है आई थिंक लास्ट प्रोडक्ट है हमारा, ये है बर्डी फ्रूट फॉक्स, यानी कि ये हमिंग बर्ड शेप में फॉक्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे ये, इस वजह से मैंने बाय किए थे और थे भी बहुत सस्ते, ज़्यादा महंगे नहीं हैं और ये टेबल सेटिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। अच्छा तो यहाँ मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिव्यू उसका सीलर का दे रही हूँ, जो कि मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मैं सेल वगैरह चेक करूँगी इसके और फिर मैं आपको उसका दोबारा रिव्यू दूँगी। तो ये इसने बहुत अच्छा वर्क किया, बहुत अच्छा काम किया इसने, फौरन से ही इसने जो प्लास्टिक बैग था उसको सील कर दिया। तो इससे आप लिक्विड वाले जो बैग होते हैं जिसमें लिक्विड होता है उसको भी आप सील कर सकते हैं, वो लीक भी नहीं होंगे और ये सील हो जाएंगे, एयर टाइट सील होते हैं ये। और इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके पीछे एक मैग्नेट भी दी हुई है जो कि आप इसको फ्रिज वगैरह पर स्टिक कर सकते हैं। यहाँ छोटा सा एक मैंने रिव्यू दिया है सारी चीज़ों का, वो आप लोग देख लीजिए और अगर आप लोगों को कोई चीज़ पसंद आती है तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पे क्लिक करके उसे परचेस कर सकते हैं। बेस्ट सेलर्स और बेस्ट प्राइस मैंने आप लोगों के लिए चूज़ किए हैं। तो एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मैं चाहती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होंगी फूड रेसिपीज़ के साथ भी और इस तरह की अनबॉक्सिंग के साथ भी। तो हो सकता है मैं अभी नेक्स्ट मंथ भी कुछ और शॉपिंग्स करूँ तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी एक्सपीरियंस। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई एम योर होस्ट अभिषेक, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।